नवांशहर विच कांग्रेस पार्टी के विधायक अंगद सैणी वालों SSP हरमनवीर सिंह गिल उत्ते कांग्रेस पार्टी के वर्करां उत्ते धक्काशाही के इल्जाम लगाते हुए SSP के दफ्तर अगे धरना लगाया गया, जिस विच SSP के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस तों इलावा विधायक ने SSP उत्ते कांग्रेस पार्टी के वर्करां उत्ते झूठे मामले दर्ज करन अते परेशान करन दे आरोप लगाए। इस धरने विच कांग्रेस पार्टी के वर्कर भारी गिणती विच पहुंचे सन। विधायक अंगद सैणी ने दस्सिया कि अमृतसर विच एक जमीनी विवाद की पुरानी रंजिश नूं लैके SSP उस नूं अते उसदे पार्टी वर्करां नूं तंग परेशान कर रहा है। नवांशहर पुलिस वालों पिछले दिनी पिंड भाटा विच भी उन्होंने पार्टी वर्कर उत्ते झूठा माइनिंग का केस दर्ज करके उन्होंने घर जाके पुलिस वालों गोली भी चलाई गई सी। इस बंदे SSP ने दस्या कि उन्होंने किसी भी पार्टी नाल कोई रंजिश नहीं है। उन्होंने कहा कि वह जिले विचों क्राइम नशा और रेत माफिया ठल पाने अपनी ड्यूटी पूरी तनदेही बिना किसी दबाव के करेंगे। इस तों इलावा SSP ने कहा कि अमृतसर विच जमीनी विवाद को लेकर जो आरोप लगाए गए सन वह 5 साल पुराना मुद्दा है, वह कागजी कार्रवाई विच खत्म हो चुका है। बड़ी दुख की गल है, SSP नॉट एज एन SSP बल्कि आम आदमी पार्टी का वर्कर बन के इत्थे काम कर रहा, कांग्रेस के वर्करस नूं धमका रहा, डरा रहा, परचे दे रहा, और जिहड़ा काम है आपां सोचिया भी नहीं सी कि इह कर सकदा उह भी करदा पिया। और मैं समझदा कि जिहड़ी अमृतसर विच इन्हां ने मेरी जमीन ते कब्जा कीता सीगा, जिहड़ा कि अज तक इन्हां तों कोई छुड़ा नहीं सकिया, जिथे भी इन्हां ने कब्जे कीते आ, जिहड़ा कब्जा मैं इन्हां तों छुड़ाया कितें ना कितें उस गल की रड़क कढ़दे आ, तकलीफ इन्हां नूं ओह 15-20 करोड़ रुपए की जमीन छड्डन दी आ, इत्थे तां आ के कसर कढ़दे, होर कुछ नहीं है। 100% परसनल लड़ाई आ। थोड़ा जिहा ट्रांसफर वेले मैं समझदा कि ध्यान देना चाहीदा सीगा कि जिहड़ा इदां परसनल लड़ाई आ, जिथे मेरा परिवार, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर आ, मेरा परिवार कि तरीक की आ, 13 नवंबर 2018 मैं अपने इलाका निवासियों समेत परिवार समेत सड़कों पर बैठे उस टाइम पर भी जी इन्होंने धक्केशाही की, पर चलो कितने ना कितने परमात्मा का आशीर्वाद मेरे सिर पर, मेरे लोगों का सहयोग से, आप उस लड़ाई चो जित के बाहर निकले। और अज उस गल की जी कसर आ वह नवांशहर आके कांग्रेस वर्कर ना कड़ी जाती है, बड़ी मनभागी गल। एक होसा वो वर्गे पता नहीं किन्ने जे 4 हफ्ते च रगड़े इन्हें, अच तो एको गल की कसूर से मैं दिखा कितने की फोटो एक सकेंड। ये जब मैं जमीन खाली करा गया, उन्होंने सके भरा SSP दे राजन गिल, ठीक है जी, ये SSP साहब आप खड़े आ, हरमनवीर सिंह गिल इत्थे खड़े आ, उन्होंने भरा राजन गिल इत्थे खड़े आ, ये नाल कौन है, विकास सोनी, ये मेरे नाल गया सी कब्जा लैन, की ये मेरे नाल चल गया तो इन्हें गुनाह कर लिया। अज जे नवांशहर SSP लग्या, ये रब तो नहीं लग्या, हुण अज इहनू चक के लै गए और झूठा जिहा केस बना के, ये कोई गल हुई, जवाब है यदा की जवाब है। सुन लो जिहड़ा सिट विच इन्होंने परचा पुराना खोलिया किहड़े साल च होया सी, SSP अलका मीना नवांशहर किन्ना चिर रहे, 2.5 साल रहे, तो सिट की रिपोर्ट बैकडेट पा के 19-8 की तो 20 नूं थोड़ा ट्रांसफर हुंदी है। और मैनू पता कि परसों कौन गया उत्थे साइन कराण, ये किसी को गुमराह ना करन बैक डेटा च काम करके, बिल्कुल फ्रॉड होया बैक डेट, उन्होंने जिहड़ी इंक्वायरी कंडक्ट करके दिखाने ली कि मैं नहीं किया काम, सारा ये हरमनवीर गिल दा एंड ही इज रिस्पोंसिबल, सिर्फ लोगों और प्रेस न और प्रशासन को गुमराह करने वास्ते कि यह पुरानी SSP करके गई। और जे पुरानी SSP ने करना होंदा उहदे कोल 2.5 साल सीगे, उन्हें ट्रांसफर तो 24 घंटे पहला करना सी, दवे इस गल का जवाब करो गल। देखो रणनीति कोई नहीं है, गल मेरी कोई किसी ना परसनल लड़ाई नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हाँ, कांग्रेस पार्टी के वर्कर मेरे परिवार ने, और मेरे परिवार के उपर जे कोई माड़ी अख नाल देखूगा मेरा फर्ज बनता कि मैं उस गल का पूरा सामभ के डट के मुकाबला करा, और मैं करता रहूँगा, मैं डट के अपने वर्करा ना खड़िया। मैं सरकार का हिस्सा, इसे गल का मैं दुख है, जे सरकार का हिस्सा सड़क पर बैठा तो SSP 1 घंटा आवे ना कि वह सही है। आपा मैं गल उत्थे स्टेज तो कही, IM लॉ मेकर नॉट अ ब्रेकर, इस करके अपने लोगों के गुस्से अज शांत करते हुए अज सिर्फ एक वार्निंग दिती है, चेतावनी दिती है,
हाले भी संभल जाओ और अगे जे तुसी इदां दी कोई हरकत की फिर उस गल का जिम्मेवार अंगद सिंह नहीं पुलिस प्रशासन हरमनवीर सिंह गिल आप होगा। तो प्रोटेस्ट करना किसी भी गल के उत्ते कोई पीसफुल प्रोटेस्ट हर एक का हक हैगा, लेकिन जेड़ा कल प्रोटेस्ट होया उदा मेरे समझ मायने च मैनू नहीं पता भी क्यों होया। सो जिथों तक लॉ एंड ऑर्डर का हैगा, डिस्ट्रिक्ट दे लॉ एंड ऑर्डर नू मेनटेन रखना वो साड़ी प्रायर जिम्मेवारी है और उन्हों असी बाखूबी नवावांगे। ना असी किसी प्रैशर च आना तो ना ही अगे आए हैं। नंबर दो, जेड़ा भी किसी नू कोई ग्रवेंस हैगा वो साडू आके जो मर्जी मिल सकता वा। किसी भी पार्टी का नुमाइंदा कोई भी बंदा होवे, कोई गरीब आ कोई अमीर आ, डिस्पाइट ऑफ एनी पार्टी लाइनस कोई भी आके आपका दुख तकलीफ दे सकता। यह पब्लिक का दफ्तर आ, जो मर्जी कोई भी आ सकता। सो ना कोई किसी की इत्थे एफिलेशन, असी आपकी ड्यूटी करते हैं, वी आर पेड फॉर इट। सरकार सानू तनखावां दिंदी आ, असी इत्थे मुफ्त ड्यूट कोई काम नहीं कर रहे। सो साडा फर्ज बनता भी जे सरकार सानू पे कर रही है असी उहदे नाल इंसाफ करिए। सो असी आपका जो भी ड्रग माफिया रेत माफिया उन्हां ते स्ट्रिक्ट रहे हैं, अगे भी रहांगे। उहदे च ना सानू किसी प्रैशर च आउण दी लोड़ आ, ना ही असी आउणा। इहो ही साडे माणयोग मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे दिशा निर्देश आ, इहो ही साडे DGP पंजाब दे निर्देश आ। जिहड़ा क्रिमिनल आ उहनूं फड़ांगे भी अंदर भी दवांगे। उहदे लई जो मर्जी कोई जो मर्जी कही जावे ना कही जावे ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਖਤਾ ਪੜ੍ਹਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੇ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਇਤਫਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਡੈਟ ਵਾਸ ਇਸ਼ੂ ਵਾਸ ਸੋਰਟਡ ਆਊਟ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਟੇਬਲ ਟੋਕ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ SSP ਮੈਡਮ ਕਮੀਨਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ। ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ 5-5, 10-10 ਦਿਨ, 1 ਸਾਲ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਲਕਾ ਮੈਡਮ ਇੱਥੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਅਥੋਰਿਟੀ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਫਸਰ ਆ, ਜੋ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ DSP ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੁੰਦਾ, SP ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। SP ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ SP ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਰਕਿੰਗ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਉੱਧਰ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਲੈਕਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਗਈ, ਵੀ ਵਿਲ ਅਰੈਸਟ ਹਿਮ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ SHO ਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੋਊਗੀ
ही कैन गो एंड टैल कि आ मेरे हक की गल है, उन्होंने सुनिया जाऊगा, उन्होंने बचारिया जाऊगा, उन्होंने घोखिया जाऊगा। जे लगेगा भी वह बंदा नहीं इनोसेंट हैगा अकॉर्डिंगली कार्रवाई होगी, जो बंदा इनोसेंट हैगा जो कोई सिट ने अज तक दिता उन्होंने हूँ जी सिट आ एक एस एस पी दे अंडर एक सिट बन गई, और जो कोई डी आई जी लैवल का अफसर उन्होंने क्लीन चिट दे कोई आई जी लैवल का क्लीन चिट दे अजे तक तो दोषी है, जब तो उन्होंने कोर्ट रिलीफ दे ठीक है, अदरवाइज असी तो जो कार्रवाई बनती है इनकी इन द आईस ऑफ लॉ अभी तो करनी करनी। दस टेलर न्यूज़ ले नवा शहर तो अर्जुन रत्तू की रिपोर्ट।